एक लंबे समय से हमको लगता है बीजेपी की जो अलायंस का जो एक तरीके से परंपरा रहा वो बड़ा लंबा रहा, 25 सालों का रहा, और अब तक उपचुनाव में जो उपचुनाव पार्टियां लड़ती हैं जिनके खाते में रहता है लगभग अब तक देखा गया वही लड़ते हैं, तो उस पर जिस पर चलता रहता है उस पर कोई बात नहीं किया जाता, जब कोई उस पर विवाद होता तब बातचीत की जाती है। बात है कि 10 सीट पर कैसे हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे उसकी रही है, तो मैंने उस पर अक्सर बातचीत हो रही है कि जहां सहयोगी दल लड़ेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे, और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे वहां सहयोगी दलों को भी उसी रूप में जिताने का प्रयास करेंगे। ये और मैंने साहब को भी पूछना चाहते हैं, आप लड़ने जा रहे हैं या आप अपने उम्मीदवार देंगे या नहीं देंगे? हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहां के लोकल लोगों का पसंद करता है, सिंबल आपका होगा ये निश्चित रूप से होगा। दोनों सीट पहले भी लड़े थे, एक बार हमने जीता था भोजन भरी थाली से, आज सांसद हैं भदोही से, दूसरे पर बहुत कम वोटों से मैं हारा था। मंत्री जी एक विषय इस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चल रहा है, SST को कोटे में खोने की बात चल रही है, ज्यादातर जो पार्टियां देश की बड़ी उन्होंने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जब फैसला आया तो आपने सपोर्ट किया था, अभी आप अपने हम अपने स्टैंड पर इसलिए कायम है कि हर जितने भी कमीशन गठित हुए हैं उसमें ही लिखा है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, एक टोकरी में अगर आप जो है चना रख दें तो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े का भी हिस्सा खा जाएगा, इसीलिए अगर बड़ों से सहयोग लेकर जो बड़े लोग हैं या मजबूत लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या जिन्हें हम जाति में बड़ा कर सकते हैं और हर क्षेत्र में बड़ा कर सकते हैं, अगर उन्हें रोककर उनको सहयोग लेकर हम आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, तो आरक्षण में भी कुछ बड़े लोग हो गए हैं तो वो भी वही काम कर रहे हैं। हम कहें तो रिक्शा पूरर का बेटा IAS क्यों नहीं बन रहा है, आज के दिन में झोपड़ी में रहने वाले बेटा जो है SDM क्यों नहीं, जब तक जिसके पैर में बेवाई नहीं होगी वो दर्द क्या जानेगा, गरीब का बेटा जब जाएगा सदन में, गरीब का बेटा जाएगा विधानसभा में लोकसभा में, गरीब का बेटा जब DMSP बनेगा तब गरीब के लिए कलम चलाएगा, तो आरक्षण की व्यवस्था में तो आरक्षण, अगर OBC में क्रीमी लेयर है तो आप SC में क्रीमी लेयर क्यों नहीं होगा भाई, हम कहते हैं आरक्षण तो संविधान तो एक ही है, सब मतलब बराबर विधान मतलब, अगर आप OBC में क्रीमी लेयर लगा हुआ है इतने दिनों से तो हम तो हमको कहते हैं बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा ये सब इनके विचार ठीक नहीं है, विचार हम कहते हैं कि ऐसा है कि देखो बिल बिलबिल जो देखता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, और जो पढ़ा लिखा आदमी है बड़े लोग जो होते हैं वो जो है उनको देखकर जो गंवार होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उसी पर विश्वास कर लेता है, ठीक है चल लेनी साथ चलना चाहिए, तो जो पढ़े लिखे लोग नौकरी में हैं वो ठीक ना वो हैं, तो अब उससे वोट लोग जिनका प्रभावित होना है वो जिनको वोट प्रभावित होना उन्हें भय है कि अगर हम बड़े लोगों का आरक्षण रुक रहा है तो हमारे खिलाफ चले जाएंगे, अरे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का लोगों को समर्थन करना चाहिए भाई, लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो संविधान के दायरे में रहकर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तो अब ये कहना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दो, एक बार कांग्रेस ने साहबानों का केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था तो दशा कांग्रेस की क्या है, एक बार और बदल दें, देखो देश के दलित गरीब क्या करते हैं, हम कहते हैं अवसर प्रदान हो गया है समर्थन तो करना निश्चित रूप से, और कोई बात नहीं मैं कह रहा हूँ उसमें जो कमियां हैं जो सुधार होना उसे करें, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन हर आदमी को, हम लोग निर्बलों को सबल बनाने के लिए निषाद पार्टी का गठन ही हुआ है, तो निर्बल चाहे दलितों में हो चाहे OBC में हो चाहे सामान्य में हो किसी क्षेत्र में हो निर्बल है उसे सबल बनाने की व्यवस्था करें, इसलिए हमेशा निर्बलों के साथ निषाद पार्टी खड़ी है। देखिए मछुआरों का जो मछुआ समुदाय है राजस्व संहिता 2016 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार में उसमें दिया कि यह जातियां केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रैकवार वाथम तुरैहा 16 ऐसे हैं जो संविधान के मुताबिक ऑलरेडी फिशरमैन हैं, यह भारत के संविधान के कानून से फिशरमैन हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने यह कह दिया कि जो मछली मारे वही मछुआरा है,
और उसके हक पर डाका डाल के तमाम हमारे विभागों की नौकरियों पर कब्जा करा दिया। जो मछुआ पद था उसे भी दूसरे लोगों को दे दिया। पहले मछुआ पद तो है मछुआरों को मिलता था या उनके ट्रेडिशनल है। आज के दिन में जो मछुआरे हैं इनका एक बड़ा लंबा इतिहास रहा। कभी भगवान राम को भी गंगा पार किया है, गंगा पार उतारा है, और अंग्रेजों मुगलों को भी मौत के घाट उतारा है। तो ये दोनों जगहों पर इसको एक सम्मान है और इस समय हमारी सरकार और हमारी पार्टी उनको सम्मान दिलाने में काम कर रही है। हम मछुआरों के साथ साथ सभी वर्गों में जो निर्बल हैं वो भारत के संविधान के मुताबिक सबल हो जाए, इसके लिए मेरा अभियान जारी है। ऐसा नहीं है खाली निषादों में है, निषादों का एक गौरवशाली इतिहास है, उन्होंने लड़ा है तो आगे भी लड़ेंगे। हमने लड़के अंग्रेजों को भगाया है तो फिर लड़कर दिलाने की व्यवस्था करेंगे। अगर अंग्रेजों से लड़कर लिया है, भारत को आजाद कराया है, तो फिर इन और दलों से भी लड़ेंगे कि नहीं, जो जो भी निर्बल हैं उन्हें राजनीति के हिस्सेदार बनाओ, बजट के हिस्सेदार बनाओ, कानून के देश की व्यवस्था का हिस्सेदार बनाओ, जिससे